हेलो जी, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आप भी ये वीडियो देखने के लिए आ गए, यानी कि आपको भी डर हो रहा है भाई मुझे कहीं फेल ना हो जाना पड़े इस बार मैट्रिक एग्जाम में। टेंशन नहीं लीजिए, जब मैं हाजिर हूँ और मेरा प्यारा सा चैनल हाजिर है तो आपको फेल होने कैसे दे सकता है? इम्पॉसिबल, असंभव है, ये नामुमकिन है कि आप फेल हो जाए। मुमकिन है कि आप पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। कुछ रोड़ा है रास्ता में, कुछ अटकलें हैं उसको दूर कर रहा है। सबसे पहली बात मैं बार बार बताता हूं कि अगर आपको मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना है तो करना क्या होगा भाई? टाइम नहीं हमारे पास। सब बच्चा बोलता है सर टाइम नहीं, क्या करें? बस एक बात सुन लो, तुम्हारा करना क्या होगा? ये सवाल आ रहा। पहली बात, हम ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, फास्ट बताएंगे, ठीक है ना। पहली बात यह है तुम्हारा कि क्वेश्चन बैंक। बोलेगा सर फिर वही बात बता रहे हैं, कल ही ना बताए थे क्वेश्चन बैंक। हाँ भाई, यही मंत्र है, यही तुम्हारा ग्रंथ है, एग्जाम में पास होने का यही ग्रंथ है। इसको पढ़ लो, पास हो जाओगे। सर पढ़ तो लेंगे, लेकिन एक चीज है जो रोड़ा अलग रास्ता में है। वो क्या है जी? वो है सर जी, चार अंक वाला MATH। ये चार अंक वाला हम मेरा रिजल्ट खराब कर सकता है। बहुत सारे बच्चों का ये है प्रॉब्लम। आपको लगता है मेरा ठीक है? मैं आंकड़ा बताता हूं, हर साल बिहार में लगभग लगभग 20 लाख बच्चा एग्जाम दे रहे हैं, हर साल लगभग 20 लाख। आप पिछले 2-3 साल का आंकड़ा उठा के देखोगे तो लगभग मानते कि 80% के लगभग जो है पास हो रहे। पास, इस पास में फर्स्ट डिविजन वाले भी है, सेकेंड डिवीजन वाले भी है और थर्ड डिवीजन वाले हैं। मतलब 20% बोला जाए तो फेल हो रहे हैं। ये 20% कम लग रहा है? अगर अगर 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 20 लाख तो 20 का 80% ज्ञात कीजिए और दुना 16, मतलब 16 लाख बच्चा पास हो रहे हैं और 4 लाख बच्चा फेल हो रहे हैं। 4 लाख कहीं पे है? कितनी बड़ी संख्या 4 लाख! और मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर 4 लाख का सभी का अगर मार्कशीट उठा के देखोगे ना तो कम से कम मैं बता रहा हूं 3 से 3.5 लाख बच्चों का मैथ में फेल हुआ होगा। सर कि मैथ में मेरा 30 नंबर नहीं आया, 29 नंबर आ गया, हम फेल हो गए, है ना। 29 नंबर में हम फेल हो गए। मैं दावा के साथ बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई बंदा है जो फेल हुआ है उसका मार्कशीट मांगिए और देखिए। ज्यादातर बच्चों का मैथ में प्रॉब्लम है, तो क्यों ना मैथ को ठीक ठाक किया जाए। आइए मैथ को ठीक करते हैं। हाँ, ये तो सही बात है, मैथ भी आपको पढ़ना होगा तो वही ग्रंथ लेना पड़ेगा। कौन ग्रंथ? क्वेश्चन बैंक वाला। किसी भी किताब, किसी भी प्रकाशन के ले लो, चलेगा। क्वेश्चन में कम से कम तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 4-5 साल का क्वेश्चन बैंक बना डालो। लेकिन मैथ रटने की चीज थोड़ी ना है सर। साइंस तो रट लेंगे, सोशल रट लेंगे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत सब रट लेंगे, लेकिन सर मैथ तो रटने की चीज नहीं है। मैथ तो बनाने की चीज है, समझने की चीज है, यही तो बंदा फंस जाता है। और एग्जाम में आपको कम टाइम, 1 घंटा टाइम मिलेगा, 60 मिनट, 60 मिनट टाइम मिलेगा, 60 मिनट, और उसी में आपको जो है मैथ को बनाना है। बच्चा 60 मिनट में 30 क्वेश्चन भी नहीं बना पाता है सही से। बनाता भी तो गलती सलती बना देता है और कहानी खत्म हो जाता है। तो हम कहानी बनाने आए उन सबको। देखिए ध्यान से, कैसे करना है, क्या करना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मैथ को पढ़ने के लिए अभी भी आपके पास टाइम। अगर आप मेरी वीडियो 5 एग्जाम से 5 दिन पहले 10 दिन पहले देख रहे हैं या उससे पहले देख रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छे है। पहला काम करना है चैप्टर वाइज। अभी तुम्हारे पास टाइम है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। पढ़ना है सर, पढ़ेंगे कैसे? कोई टीचर द्वारा थोड़ी ना पढ़ाएगा हमको। हाँ, वीडियो है ना, वीडियोस पढ़ेंगे हम, टेंशन ना लीजिए, वीडियोस पढ़ाएंगे हम आपको, पढ़ाएंगे, ऑलरेडी पढ़ाएंगे। ये चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। 50 नंबर क्लियर, तो पास होने का 30 नंबर चाहिए ना जी। पास होने के लिए तो आपको 30 ही नंबर चाहिए, 50 नंबर कहाँ पे क्लियर होने वाला है। जिसको ये क्लियर होगा तो वो पढ़ेंगे फिर लघु पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 30 नंबर का सवाल पूछेगा, क्लियर। और जिनको ये दोनों कंफर्म है तो वो पढ़ेंगे लॉन्ग सवाल, पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को, पढ़ेंगे लॉन्ग 5 नंबर वाला सवाल पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरीय
प्रश्न पढ़ेंगे। सवाल उठता है सर जी, हाँ ठीक है पढ़ तो लेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव जो है सर, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो खाली ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर लिख चलाएंगे तो फेल नहीं होगे ना? नहीं होइएगा। तीसरे नंबर लाना है, चाहे ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, चाहे जैसे भी तीसरे नंबर लाना है ना, मैदान मार लीजिएगा। ओके, तब जाके आपकी पांचों उंगलियां घी में आएंगी, घी में होगी। तो ये तो हो गया लघु वाला सवाल सर, तो लघु वाला सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना, जब इसको बनाओगे ना, ऑब्जेक्टिव जब बना लोगे ना, तो मैं बता रहा हूं कि 70% आप इस सवाल को भी हल करना शुरू कर दोगे। जब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना आपसे, तो 70% क्वेश्चन लघु उत्तरीय बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इसमें तोड़ ताड़ के 20 नंबर भी चले आए तो काफी है भाई। सवाल उनसे है जो बच्चे ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब सर हमको लॉन्ग सवाल पढ़ना है, लॉन्ग सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन पढ़े? बहुत ज्यादा टफ होता है, कुछ टफ नहीं होता यार। 5-7-8 टॉपिक हर साल पूछता है लॉन्ग वाला में, 4 टॉपिक कंफर्म है कि पूछेगा पूछेगा। 4 टॉपिक वो कौन है? त्रिकोणमिति, नोट कर लीजिए फर्स्ट में, त्रिकोणमिति। ये 4 एक हो गया, ऊंचाई दूरी, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी, ये हो गया। फिर आप रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन, रचनाएं देख लीजिएगा। फिर आपको देखना ग्राफ देख लेना, ये 4 टॉपिक आप देख लो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ चारों टॉपिक एग्जाम में छपेगा, है ना। बस इसी को पढ़ो 4 टॉपिक अगर पढ़ना है तो। चलिए तो थोड़ा नजर करते हैं जो इधर वाले हैं, है ना। सर ये कैसे पढ़े? कोई टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, कैसे पढ़े? कोई बात नहीं भाई, मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए अपना मोबाइल में यूट्यूब खोलिएगा, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आपको ए ऑनलाइन सॉल्यूशन खोल लेना है, खुला हो तो हो गए करेगा। वीडियो वाला लिस्ट में चल जाएगा, है ना, आता है ना वीडियो लाइव, तो वीडियो वाला सेक्शन में जाना है, सबसे नीचे जाइएगा, एकदम सबसे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। देखिए खुल जा भाई जल्दी से, है ना, सबसे नीचे एक लाइन से मैंने सारा चैप्टर को पढ़ा रखा है। आप अगर उसको देख लेते हो ध्यान से, ये मसला भी हल हो जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो टेंशन ना लीजिए, देखिए पहले देखा देता हूँ, उसके बाद नहीं मिले तो भी उसका उपाय है मेरे पास। अगर नहीं मिले तो देख लो, देखो एकदम दिख रहा, ये देखो वास्तविक संख्या शुरू और वास्तविक संख्या, बहुपद, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, सर्किल, क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी और प्रायिकता। मैं बता रहा हूं अगर इस वीडियो को देख लेते हो आप तो सच बता रहा हूं कि आप उड़ोगे आसमान में, बाज की तरह उड़ना शुरू कर दोगे, बोलेगे वाह क्या मंत्र बताया फाक सर ने। बता रहा हूं इसको एक एक घंटा के वीडियो, कुछ आधा घंटा, कुछ पौन घंटा के वीडियो है, आप निकाल के पढ़ना शुरू करो। इसको बनाने के बाद अब जब मॉडल पेपर जब पढ़ोगे ना, तो दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा, बहुत मजा आएगा, एकदम काफी मजा आएगा। फिर आपको लगेगा बस फोड़ना है और कुछ नहीं करना, हमको फोड़ना है, और फोड़ के आओगे तुम, ठीक है ना। क्या करना है? इसको करना जरूरी है। तो जिनको प्रॉब्लम है मैथ में, जिनको प्रॉब्लम सर हम पास नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, ये प्रॉब्लम जड़ यही है। इसको पढ़ो, इसका हर एक चैप्टर को जो मैं समझाया हूं ना, एकदम आसान तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया हूं, देखो वीडियो जाके। चैलेंज कर दूंगा, इससे में सवाल आएगा और इससे तुम्हारा बहुत हेल्प मिलेगा, और तब जाके तुम अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करोगे, और थोड़ा मैंने बचा उचा रहेगा तो मेरा भी दे देना, ठीक है ना, और ठीक है, तब जाके बेस्ट होगा। तो अगर चाहते हो कि भाई हमको पास होना है कम से कम, कि कम से कम 300 नंबर आ जाए, फर्स्ट डिवीजन, हाँ मिठाई खाने की बारी, 300 नंबर आ जाए, तो इसको पढ़ लो, इसको ठीक कर लोगे 300 पार जाएगा नंबर, लिख लो आप भी, लिख लो इसको पढ़ लो, 300 पार नंबर जाएगा। ओके, तो वीडियो कैसे लगी, मजा आया सजेशन? इस सजेशन को फॉलो करो अभी से जो अभी वीडियो देख रहे हैं। ओके, लास्ट करते हैं वीडियो को, इसका मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन, हो सकता है वीडियो ना मिले आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहां पे क्लिक करना, पूरी वीडियो मिल जाएगी एक साथ में, ठीक है। कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, कोई और टॉपिक है, कोई और मसला है, कोई और भी कठिनाइयां है, परेशानियां है, नीचे कमेंट कीजिए, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हैं आपके साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।